हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब माय नेम इज सी मेंटर और यू कैन से अकाउंट्स गुरु मुझे पता है पेंडेमिक की वजह से आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज्यादा हेम्पर हो रही है हम सब की लाइफ कहीं ना कहीं रुक चुकी है सो इट्स अ स्मॉल हेल्प फ्रॉम माय एंड सो मैंने सोचा कि आपका पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए अवर स्टडी शुड नॉट स्टॉप वी विल ओवरकम दिस फेज सो

फॉर एच एस सेकेंड ईयर यस एच एस सेकेंड ईयर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम इस वीडियो में एनपीओ के बेसिक कंसेप्ट क्या होता है एनपीओ वट इज एन एनपीओ वट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर टर्म डन पी ओ हाउ वी हैव टू डू अकाउंटिंग फॉर द एन पी ओ वो सारा चीज हम लोग कवर करने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग अंगल मिनट लेट स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक दट इज इजेशन जैसे कि आप लोग क्लास ट्वेल्व में आ चुके हैं तो आई एज्यूम की क्लास इलेवन का concepts आपका कुछ हद तक क्लियर है एंड क्लास इलेवन का थाल स्टेटमेंट विद एडजमेंट आप पढ़ के आ रहे हैं दो आई नो मोस्ट ऑफ द स्कूल एंड इवन एवरीज स्कूल वहां पे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुए आपको डायरेक्टली प्रोमोट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ड्यू टू द लैक ऑफ क्लासेस स्कूल्स आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुए आप घर पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे उसकी वजह से आपका नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस आपने क्लासेस कंटिन्यू नहीं की कुछ लोगों ने क्लासेस ज्वाइन नहीं करी बट डोंट वरी यू डोंट पैनिक आई एसोर यू कि आपको एक एक चीज समझ में आएगी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग क्लास इलेवन के जो जो बेसिक कंसेप्ट भी थे वो साथ में साथ रिवाइज करते जाए ताकि आपको रिकॉल हो और आपके ऐसा लगे कि हाँ ऐसा कुछ था ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करो ठीक है सो बेसिकली बिफोर स्टडिंग और रीडिंग एनी टॉपिक आपको करना क्या है हमेशा उस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना कितना है ये आपको पता होना चाहिए बिफोर रीडिंग द कंप्लीट टॉपिक जस्ट जोक डाउन की उस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है इफ आपने वो चीज नोट डाउन करके रखी है देन इट विल हेल्प यूर लॉट जब आप रिवाइज करोगे तो जस्ट आपको फाइव टू टेन मिनट्स लगेगा पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में क्योंकि आपको पता रहेगा कि उस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है If आपको यही नहीं पता कि उस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है देन आप क्या करोगे आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे आपको पता ही नहीं क्या रेलिवेंट है और क्या रेलिवेंट नहीं है एंड इवन आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक वीक है जिसको आपको ज्यादा रिविजन चाहिए राइट सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम लोग पहले लिखेंगे एंड प्लीज आप लोग भी मेरे साथ साथ अच्छे से एकदम नोट्स बनाते जाएंगे ईच एंड एवरीथिंग जो मैं जोकडाउन करूंगा वो आपको भी लिखना है वो आपको भी राइट डाउन करना है दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज ठीक है सो so, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है राइट right, तो सब कोई सब मेरे साथ लिखेंगे कि इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें पढ़ना क्या हाँ उससे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए देखो आपके बोर्ड्स का जो सिलेबस बनाया गया है उसमें सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इच एंड एवरी टॉपिक कंसिस्ट ऑफ सर्टेन मार्क्स सो आपके माइंड में एक डाउट आ रहा तो फिर मेरा ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कितने मार्क्स का टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप मान के चलना आपके एग्जाम के लिए इट इज आपके एग्जाम के लिए इट विल कैरी अराउंड एट टू टेन मार्क्स यस राइट ये टॉपिक आपके लिए एट्स आठ से दस मार्क्स कवर करेगा क्या ये टॉपिक टफ है बिल्कुल भी नहीं इससे इजी टॉपिक हो ही नहीं सकता आपके पूरे सिलेबस में इससे इजी और छोटा टॉपिक हो ही नहीं सकता एनपीओ आपके पास में पार्टनरशिप है आपके पास में कंपनी अकाउंट है रेशियो एनालिसिस है कैश फ्लो स्टेटमेंट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपेरेटिव कॉमन साइज है बट आई वुड से दिस इज द इजिएस्ट ऑफ द टॉपिक ठीक है एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है एंड आपको आपके कंसेप्ट क्लियर रखने देखना एकदम आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा बस जैसे जैसे मैं आपको कराऊंगा वैसे वैसे आपको करना है आपको आगे नहीं भागना है ठीक है जितना मैं समझाऊं जितना मैं करा रहा हूँ बस आपको वैसे करते जाना है इज इट क्लियर तो देखना आपके लिए टॉपिक एकदम ईजी हो जाएगा एंड आप हंड्रेड रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए राइट सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड हम लोग क्या हेडिंग देंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पहले हम लोग उसको नोट डाउन करके रखेंगे राइट सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके अंदर सर्टेन टर्म्स ठीक है कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है अपने को कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे कि सब्सक्रिप्शन जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस जैसे कि लीगसी एंडोलमेंट फंड ऑनोरेरियम गवर्नमेंट एड ठीक है एंट्रेंस फीस इन सब का क्या मीनिंग होता है क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ये सब अपने को पढ़ना है और हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है ये होता क्या है इसके बारे में पढ़ना है अपने को फिर अपने को पढ़ना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है कैसे बनाएंगे फिर आपको पढ़ना है बैलेंस शीट ध्यान रखेगा एनपीओ के चैप्टर में आपको दो तरह की बैलेंस शीट देखो बैलेंस शीट एक जैसी बनती है जैसे आपने क्लास इलेवन में सीखा था बट पूरे एनपीओ के चैप्टर में हम लोग दो बैलेंस शीट बनाएंगे जब भी एग्जाम में बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर आपसे दो टाइप की बैलेंस शीट मांगेगा मांगेगा तो एक ही टाइप की बट एक टाइप की बैलेंस शीट एज ए वर्किंग नोट आपको हर बार बनानी पड़ेगी ठीक है तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी सीखनी बैलेंस शीट एज इट इज वैसे ही बनता है बस हम लोग दो तरह की बैलेंस शीट बनाएंगे एक को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट एक को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट दैट इज जो एक अप्रैल को बनती है और एक हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस टू बैलेंस शीट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब ईयर एंड में जो आपकी बैलेंस शीट बनती है वो आप कैसे बनाओगे राइट right? उसके बाद इस चैप्टर में आपको पढ़ना है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ material कंज्यूम कैसे हम इसको निकालते हैं ये हम निकालना सीखेंगे उसके बाद आपको सीखना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि स्पेसिफिक फंड का प्रेजेंटेशन आप इन केस ऑफ एन एनपीओ कैसे करोगे जिसको हम लोग बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग फंड बेस्ड अकाउंटिंग ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख के रख सकते हो स्पेसिफिक फंड स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे बस इतना ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में इतना ही आपको स्टडी करना है इफ ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर है इनके रिगार्डिंग कंसेप्ट क्लियर है तो एनपीओ खत्म है दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द चैप्टर एमंग योर प्रैक्टिकल चैप्टर्स इन द कंप्लीट सिलेबस ठीक है सो so, लेट स्टार्ट आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा इफ नहीं लिखा होगा तो आप पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कंपलसरी है ये लिखने की हैबिट आपकी होनी चाहिए इवेन यू स्टडी एनी ऑफ द चैप्टर एनी ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट पेज में फ्रंट पेज में आपका ये लिखा हुआ होना जरूरी है कि आपको उस टॉपिक के अंदर पढ़ना कितना है वंस यू आर क्लियर कि हमें इतनी चीज पढ़नी है और जब ये हंड्रेड परसेंट कवर हो जाए इसको टिक 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 करते जाएंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा ट्रस्ट में आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आप बस आपका बेड़ा पार है इज इट क्लियर सो अब हम लोग टॉपिक के अंदर जाते हैं कि हमें कैसे इसको पढ़ना है वॉट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ध्यान रखना हर चीज का मीनिंग उसके नाम में होता है कोई भी चैप्टर टफ नहीं होता इफ आपने उसके नेम को क्रैक कर लिया ना आपने सब कुछ क्रैक कर लिया इज इट क्लियर ये चैप्टर क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है प्रॉफिट नहीं अर्न करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट इसका मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशंस भैया दो तरह की होती है यस yes, ऑर्गेनाइजेशंस दो तरह की होती है आपके पेरेंट्स जो बिजनेस चलाते हैं या फिर जो आसपास आप बिजनेस देखते हो मार्केट में जाते हो मॉल्स में जाते हो दुकानों में जाते हो वो सारी दुकानें क्या है वो प्रॉफिट एंटिटी बोला जाता है उनको वो सारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है schools, आपके स्कूल्स आपके आसपास मंदिर आपके आसपास एनजीओस क्लब्स, हॉस्पिटल कॉलेजेस ये सारे होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव क्या होता है जस्ट सर्विस देना बट हम जो आसपास दुकानें देखते हैं खुद का फैमिली बिजनेस देखते हैं मॉल्स में जाते हैं उनका मोटिव क्या है उनका मोटिव आपको सर्विस देना नहीं है उनका मेन मोटिव है आपसे प्रॉफिट अर्न करना is it clear so there are two types of organization one is profit entity another one is not for profit entity to pehle to ye concept clear hona chahiye ki not for profit organization kaisi hoti hai ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न नहीं करना यानी वो किससे अलग होगी जो आपने class 11 के में पढ़ा था ना प्रॉफिट एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट उनसे अलग होगी तो हमें पहले तो डिफरेंस समझना है कि प्रॉफिट एंटिटी और नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी में डिफरेंस होता क्या है जब आपको ये डिफरेंस पता रहेगा तभी आप नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी की अकाउंटिंग सीख पाओगे ठीक है और एक बार आपने समझ लिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी कैसी होती है उनका माइंडसेट क्या है उनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है एक्सपेंसेस क्या है उनके लिए क्या एसेट्स होती है क्या लाइबिलिटीज होती है उसके बाद आपके लिए ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चुटकी का खेल होगा ठीक है, so, देखिए पहले अपने को क्या समझना है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट क्या होता है एक होता है प्रॉफिट एंटिटी और एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी सो प्रॉफिट एंटिटी तो हमें पता है हमारे घर का फैमिली बिजनेस आसपास जो हम देखते हैं उनका मेन काम क्या है हम बिजनेस क्यों करते हैं टू अर्न प्रॉफिट समाज सेवा करने के लिए क्या हम लोग बिजनेस करते हैं क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं हमारा बिजनेस करने का मोटिव क्या होता है टू अर्न प्रॉफिट तो हम लोग क्या प्रॉफिट एंटिटी में ऐसा लिख सकते हैं एंटिटी हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट उसी को प्रॉफिट एंटिटी बोलते हैं राइट right. तो आप लोग पहला पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर में एंटिटी हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट उसी को हम लोग प्रॉफिट एंटिटी बोलते हैं जिसका मेन काम ही क्या है प्रॉफिट अर्न करना उसी को हम लोग प्रॉफिट एंटिटी बोलेंगे सो नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट एंटिटी एंटिटी कौन सी हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न उनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो फिर क्या करेंगे वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या करती है जैसे कि आप आसपास पास एनजीओ देखते हो स्कूल देखते हो कॉलेजेस देखते हो हॉस्पिटल देखते हो मंदिर देखते हो क्या इन लोग क्या करते हैं फिर इन लोग सर्विसेज देते हैं उनका काम है सिर्फ समाज के लिए अच्छा करना अपने मेंबर्स एंड सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना यानी एंड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी किसको बोलोगे हुज एंटिटी एंटिटी हुज मेन ऑब्जेक्टिव टू रेंडर सर्विसेस नॉट टू अर्न प्रॉफिट ठीक है ऐसी एंटिटी जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस देना नॉट टू रेंडर सर्विस देना नॉट टू अर्न प्रॉफिट यहां तक क्लियर है आपको तो एक बात बताओ ये प्रॉफिट एंटिटी में आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि प्रॉफिट एंटिटी क्या फाइंड आउट करती है ईयर एंड के रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस के नेट रिजल्ट को क्या बोलते थे आप लोग राइट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ठीक है तो

डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑनर प्रॉफिट और लॉस किस को मिलता था प्रॉफिट होता था चाहे लॉस हो हम लोग तो मालिक के अकाउंट में, में प्लस या माइनस कर देते नहीं हो सकता क्योंकि हमारा मोटिवी प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो यहाँ क्या हो सकता है यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा डोनेशन वगैरह मिला सपोज दस हजार रुपए का डोनेशन मिला और आपने खर्चा किया पूरे साल भर में आठ हजार रुपए टू थाउजेंड इज नॉट अ प्रॉफिट ऐसा नहीं है जो ट्रस्टीज जो मेंबर्स वगैरह उसको रन कर रहे हैं फिर दो हजार रुपए की पार्टी कर लेंगे ऐसा नहीं दैट टू थाउजेंड इज द सरप्लस अमाउंट राइट उसको हम लोग क्या बोलते हैं सरप्लस सो इनकम लेस एक्सपेंसेस ज नोन एज सरप्लस और डेफिसिट ठीक है अब uh, आपका बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है किसके पॉकेट में जाता है मालिक के पॉकेट में और मालिक को हम लोग बिजनेस में क्या बोलते हैं मालिक का जो भी पैसा होता है ऑनर का जो भी पैसा होता है वो क्या नाम से होता है कैपिटल के नाम से सो so, हम लोग एक पॉइंट यह लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट और लॉस हम लोग का कहां ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में चला जाता है वहां आइडिया लेस करते हैं बट सी इन केस ऑफ एन एनपीओ क्या कोई एक इंडिविजुअल मालिक होता है क्या एक मंदिर का एक कॉलेज का एक स्कूल का कोई मालिक नहीं होता है उसको रन करने वाले मेंबर्स होते हैं राइट वो एक पर्टिकुलर ऑनर नहीं होता कोई भी इन सब ऑर्गेनाइजेशन का उनके मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड बाय मेंबर्स बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उसमें से कुछ मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं तो ये जो भी सरप्लस और डेफिसिट होगा क्या उसके उनके पॉकेट में चला जाएगा क्या एनपीओ का कोई भी सरप्लस या डेफिसिट हुआ क्या जो ट्रस्टीज है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं क्या उनकी पॉकेट में जाएगा क्या बिल्कुल नहीं तो फिर कहां जाएगा राइट right, वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा सरप्लस और Deficit is surplus or deficit is added or deducted from. कैपिटल फंड तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि एक जगह मैंने वर्ड यूज किया कैपिटल एक जगह वर्ड यूज किया कैपिटल फंड यानी एनपीओ केस में since एक मालिक नहीं होता बिजनेस में तो क्या होता है इफ सोल प्रोप्राइटरशिप है तो एक ही मालिक है ठीक है तो वहां पे हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करते थे बट यहाँ पे इट्स कैपिटल फंड फंड का मतलब क्या होता है कोई भी चीज फंड कब बनता है जब बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एक साथ तब हम उसको फंड बोलते हैं right? राइट जब बहुत सारे लोग मालिक मालिक है और कैपिटल का मतलब ओनर सिंस एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबकी है क्या मंदिर में ऐसे कोई बोल सकता है कि ये मंदिर मेरा है आप यहाँ पे दर्शन नहीं कर सकते आप यहाँ पे इस टाइम में नहीं आ सकते ऐसा नहीं बोल सकते मंदिर तो सबके लिए होता है ना यानी आप जो लोग वहां पे डोनेशन देते हैं उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है वहां पे उस टेम्पल पे हक है सिमिलरली यहाँ पे एनजीओ के केस में एनपीओ के केस में आपके बहुत सारे लोगों को पैसा लगा हुआ होता है उन कंप्लीट सबका पैसा मिला के हम बोलते हैं फंड सिंस सब कोई मालिक है इसीलिए हम उस फंड को बोलते हैं कैपिटल फंड इज इट क्लियर व्हाट इज कैपिटल फंड इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सरप्लस और डेफिसिट को कैपिटल फंड में आइडिया लेस करते हैं और क्या हो सकता है कि भैया कुछ प्रॉफिट एंटिटी में लास्ट ईयर हम लोग क्या क्या बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बताइए लास्ट ईयर हम लोग क्या क्या बनाते थे क्लास 11 का लास्ट चैप्टर याद करो फटाफट क्या क्या बनाना सीखा था आपने राइट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या बनाते थे यस बैलेंस शीट बट एनपीओ के केस में हम लोग क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं क्या ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते थे टू असर्ट इन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस टू असर्ट इन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस सिंस ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है तो क्या फायदा इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हैंस हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे Financial statement includes receipt and payment account, income and एक्सपेंडिचर अकाउंट थर्ड बैलेंस शीट क्या क्या बनाएंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ केस में रिसेप्शन पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट इज इट क्लियर आई होप यहां तक आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि एक प्रॉफिट एंटिटी क्या होता है और एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी क्या होता है ज इट क्लियर कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आप चाहो तो एग्जाम्पल्स भी लिख के रख सकते हो आप चाहो तो एग्जाम्पल्स भी लिख के रख सकते हो एनीफॉर्म कंपनी कोई भी फॉर्म हो गया कोई भी कंपनी हो गया सच एज रिलायंस टाटा बिग बाजार जो फ्यूचर रिटेल ग्रुप का पार्ट है ठीक है ये सारी क्या ये सारे profit entities है ये सारी प्रॉफिट एंटिटीज है नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी में हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्कूल्स, टेम्पल्स, एनजीओ एक्सेट्रा ठीक है ये सारे हो गए कोई भी क्लब्स हो गया क्लब्स वगैरह वो सारे नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी होती है क्योंकि उनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है उनका काम क्या है सर्विस देना किसको सर्विस देंगे इन लोग अपने मेंबर्स को एंड सोसाइटी को मेंबर्स को एंड सोसाइटी को सर्विस देना इज इट क्लियर और एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर में प्रॉफिट एंटिटी कौन रन करता है प्रॉफिट एंटिटी कौन चलाता है आपके पापा की दुकान प्रॉफिट एंटिटी इज रन बाय ओनर मालिक चलाता है ना मालिक खुद चलाता है अपने बिजनेस को वेर इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर रन बाय द इलेक्टेड मेंबर्स आउट ऑफ द टोटल मेंबर्स हम जिन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं कि आप लोग ही देखिए बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कोई एक एनजीओ के अंदर में हजार मेंबर है तो हजार के हजार सारे उसको रन कर पाए तो हम लोग क्या करते हैं उसमें से टेन पीपल्स को हायर करते हैं टेन पीपल्स को इलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप सब कुछ देखिए जैसा आप बोलोगे वैसा हम लोग करेंगे इज इट क्लियर सो यहाँ पे अपना ये एक कंसेप्ट खत्म होता है कि प्रॉफिट एंटिटी और नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी क्या होता है इज इट क्लियर क्या यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर है आई होप यहां तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया है नाउ अब कुछ बेसिक टर्म्स कुछ बेसिक टर्म समझने से पहले मैं दो कंसेप्ट दो कंसेप्ट आपके रिवाइज कराऊंगा कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने से पहले दो कंसेप्ट इलेवन में पढ़े थे हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे राइट तो देखो आपके पास एक होता है पूरे बिजनेस में पूरे बिजनेस को हम डिवाइड करें तो चार ही चीज होती है एक पैसा आना इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी बस दैट सेट या तो इनकम होगा या खर्चा होगा या वो हमारी एसेट है या वो हमारी लाइबिलिटी है चार ही चीज होता है बिजनेस के अंदर पांचवा कुछ भी नहीं होता तो जब भी पैसा आएगा हमारे बिजनेस में जब भी हमारे बिजनेस में पैसा आता है दो ही चीज हो सकता है या तो वो आपकी इनकम है या आपके लिए वो लाइबिलिटी है या तो आपके लिए इनकम है या वो आपके लिए लाइबिलिटी है और जब भी बिजनेस से पैसा जाता है आउटफ्लो होता है तो दो ही चीज हो सकता है या तो आपके लिए वो एक्सपेंस है या फिर आपके लिए क्या है वो एसेट है या तो आपके लिए वो एक्सपेंस होगा या फिर आपके लिए वो एसेट होगा इज इट क्लियर सो हम पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस कंडीशन में हम लोगों को एसेट मानना है किस कंडीशन में हमको एक्सपेंस मानना है किस कंडीशन में आपको एसेट ट्रीट करना है लाइबिलिटी ट्रीट करना है और किस कंडीशन में आपको इनकम ट्रीट करना है इसके लिए आपको क्लास इलेवन का जो कैपिटल रेवेन्यू क्लियर होना पड़ेगा I assume कि आपको आता है बट स्टिल मैं यही समझूंगा कि नहीं आता ठीक है तो हम लोग फिर से उसको समझेंगे तो देखो रिसिप्ट दो तरह की होती है रिसिप्ट आर ऑफ टू टाइप रिसिप्ट दो तरह की होती है वन इज हाँ माना कि हम लोग पूरा इन डेप्थ नहीं जाएंगे बट एटलीस्ट हम लिख के रखेंगे ताकि हमें क्लेरिटी रहे कि कौन से ट्रांजेक्शन को हमें क्या समझना है रिसिप्ट दो तरह की वन इज कैपिटल रिसिप्ट अनदर वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है विचार राइट नॉन ड्रैकरिंग इन नेचर नॉन ड्रैकरिंग इन नेचर और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है विचार रैकरिंग इन नेचर यानी इन शॉर्ट ऐसा पैसा जो कभी कभी आता है बिजनेस में सपोज साल में एक बार दो साल में पांच साल में एक बार ऐसा पैसा उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्स रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हमारे बिजनेस में ऐसा पैसा आता रहता है इट्स ए रेगुलर जिसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता इट्स ए रेगुलर इनकम रेगुलर इनफ्लो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू सो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है एक तो नॉन रेकरिंग और ये हमेशा हमेशा जो पैसा आपको कभी कभी मिलता है ना उस पैसे पे हमेशा ध्यान रखना ऑब्लिगेशन होता है उस पैसे पे हमेशा ऑब्लीगेशन होता है लेकिन जो पैसा आपको रेगुलर मिलता है उस पैसे पे कभी भी ऑब्लिगेशन नहीं होता देखो एकदम मस्त सा एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट करेक्ट है या नहीं है जैसे कि आपको आपकी पॉकेट मनी आपकी पॉकेट मनी आपको रेगुलर मिलती है किसी को वीकली मिलती है किसी को फिफ्टीन डेज में किसी को मंथली मिलती है ठीक है लेकिन क्या उस पॉकेट मनी पे आपका रेस्ट्रिक्शन है क्या क्या पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं क्या इस पॉकेट मनी को यही खर्चा करना है तुम और कहीं पैसा नहीं खर्चा कर सकते नहीं यू आर फ्री टू एक्सपेंस एनी वेयर जहां पे आपका मन करता है आपका मन करता है बर्गर खाने का बर्गर खाते हो पिज्जा खाने का पिज्जा खाते हो प्ले स्टेशन में जाके खेलना है तो आप खेलते हो दोस्तों के साथ घूमना है तो आप घूमते हो कुछ शॉपिंग करना है तो शॉपिंग करते हो राइट उस पैसे पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट जिन पैसों पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट लेकिन जिस पैसे पे ऑब्लिगेशन है जिस पैसे पे ऑब्लिगेशन है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट ठीक है जैसे कि सपोज आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन चल रहा है ठीक है आपके घर में एक बड़ा फंक्शन चल रहा है इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पापा सब कुछ मैनेज करें ठीक है छोटे 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 बहुत से खर्चे होते हैं एंड यू आर क्वाइट सेंसिबल तो आपके पापा क्या करते हैं आपको एक लमसम अमाउंट हाथ में दे देते हैं हैं सपोज सपोज से और बोलते हैं जितने भी गेस्ट आएंगे उन लोग को जो जो चीज फैसिलिटीज चाहिए या कुछ भी सामान चाहिए आप लाके दे देना नाउ ये फाइव थाउजेंड रुपीज क्या अपनी मर्जी से आप जा जाके बाहर पार्टी कर सकते हैं या कुछ शॉपिंग कर सकते हैं या बर्गर पिज्जा खा सकते हैं क्या नहीं ये पैसा आपको कहाँ खर्चा करना है आपके गेस्ट जो भी डिमांड करें या जो भी चीज उनके रिक्वायरमेंट की रहेगी या फिर जो आप नहीं प्रोवाइड कर पाए दिमाग से भूल गए वो सारा चीज परचेज करने में राइट तो दिस अमाउंट हैज ए गॉट ऑब्लिगेशन दिस अमाउंट हैज गॉट ऑब्लिगेशन इज इट क्लियर तो यानी इच एंड एवरी अमाउंट जहां पे ऑब्लिगेशन है उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं लेकिन जहां पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है वो होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट तो कैपिटल रिसिप्ट इन शॉर्ट आपके लिए तो वो लाइबिलिटी हो गई ना यार पैसा को संभाल के रखना है चोरी हो गया तो पापा को जवाब देना पड़ेगा कहीं उल्टा पुलटा खर्चा कर दिया तभी भी जवाब देना पड़ेगा जहां जवाबदारी आ जाती है आपकी यानी वो बन जाता है आपके लिए लाइबिलिटी यानी आपको कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेनेशन देना है रीजन देना है ईच एंड एवरीवेयर जहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है रीजन देना है या फिर पैसा लौटाना है वापस If खर्चा नहीं हुआ पापा को वापस लौटाने पड़ेंगे ना या पापा को हिसाब देना पड़ेगा तो क्या है इच एंड एवरी कैपिटल रिसिप्ट इज अ अबिलिटी इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ठीक है हम लोग हमेशा कैपिटल रिसिप्ट को क्या मानेंगे लाइबिलिटी मानेंगे और इफ आप लाइबिलिटी मानोगे तो वो आपके लिए कहाँ जाएगी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी और एसेट तो सिर्फ बैलेंस शीट में शो करते हैं ना तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एंड रेवेन्यू रिसिप्ट जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है वो आपके लिए क्या होता है इनकम इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम इसको हम लोग क्या मानेंगे इनकम मानेंगे इनकम मानोगे तो हमने पढ़ा था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एन एनपीओ क्या क्या होगा रिसेप्शन पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट तो इनकम कहां जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इज इट क्लियर क्या यहां तक आपको क्लियर है तो सिमिलरली आपका पेमेंट्स होता है चलो एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में चलो मैं ही बता देता हूं कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन लाइफ मेंबरशिप फीस स्पेसिफिक डोनेशन मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला है सपोज कोई आपको पैसा देके जाता है और बोलता है इस जगह में आप पानी की मशीन लगाएंगे पीने का पानी जो फ्री में सबको मिलेगा इसका मतलब क्या है वो पैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी मर्जी से यूज नहीं कर सकती उसको कहाँ यूज करना पड़ेगा पीने का पानी का मशीन लगाना पड़ेगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन यानी दैट अमाउंट इज अबिलिटी फिर होता है लाइफ मेंबरशिप फीस आपने किसी को मेंबर बनाया लाइफ टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो लाइफ टाइम मेंबर है तो यानी जब तक वो जिंदा है क्या तब तक उसका राइट right है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को एंजॉय करने का है ना क्योंकि आप मना नहीं कर सकते नाउ ही इज और शी इज और लाइफ टाइम मेंबर और एक बार लाइफ टाइम मेंबर होता है फीस तो एक ही बार देगा जब तक जिंदा है बार बार तो लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं देगा ना एक इंसान की तैयारियां पांच लाइफ तो होती नहीं है एक ही लाइफ होती है लाइफ बोला है मैंने वाइफ नहीं बोला ठीक है तो जग जाओ तुम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस तो एक ही बार देखा हैं लाइबिलिटी रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या हो सकता है अपना अरे बिजनेस में बताओ एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स माल बेच के पैसा आना गुड्स बेच के पैसा जो आता है वो क्या है वो तो नॉर्मल है रेगुलर है आता ही रहेगा एनजीओ की केस में बात करें तो डोनेशन छोटा मोटा डोनेशन मिलता ही रहता है आपको गवर्नमेंट एड एंट्रेंस फीस गवर्नमेंट एड का मतलब गवर्नमेंट हेल्प अरे हर एक एनजीओ को तो गवर्नमेंट का डोनेशन तो आता ही रहता है ना कोई भी स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल कितना कितना फंड आता है वो सब क्या है गवर्नमेंट हेल्प है तो वो क्या है वो तो हर साल आएगा जब तक जिंदा हो जब तक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रन करोगे तब तक गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प मिलती रहेगी ऐसी हेल्प को हम लोग क्या बोलते हैं दीज आर रेवेन्यू रिसिप्ट एंट्रेंस फीस इफ आपके एनजीओ हो आप एक एनपीओ हो तो आपके मेंबर्स बनेंगे हर साल बनेंगे ठीक है तो हर साल आपके पास एंट्रे, एंट्रेंस फीस आती रहेगी हेंस इट्स रेवेन्यू रिसीट्स बट ध्यान रखना इसके अलग-अलग दो पैरामीटर्स है एंट्रेंस फीस को हम लोग वैसे लॉजिकली देखें तो मेंबर जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है तो एक ही बार वो फीस देगा तो मेरे लॉजिक से इसको हम लोग को कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करना चाहिए बट देर आर न्यूमरस ऑथर्स एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग हमेशा इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे अनिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन ये नहीं बोले कि इसको कैपिटल रिसिप्ट मानना है क्वेश्चन हाँ, बोल दिया तो कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे बिकॉज क्वेश्चन इज गॉड क्वेश्चन के सामने आप मत दिखाना कि आपको कितना ज्यादा नॉलेज है वहां नोट मत मार के आ जाना एग्जाम में कि द एग्जामिनर इज रॉन्ग वी आर ट्रीटिंग एंट्रेंस फीस एज दिस ठीक है आप ऐसा कभी नहीं लिखोगे एग्जामिनर का ईगो को हर्ट नहीं करोगे इज इट क्लियर तो एंट्रेंस फीस क्या मानोगे हमेशा रेवेन्यू रिसीव जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता आई होप आपको ये क्लियर है व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड व्हाट इज रेवेन्यू रेसिप सिमिलरली आपका पेमेंट्स होता है कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स पेमेंट्स भी दो तरीके के होते हैं वन इज कैपिटल पेमेंट अनदर वन रेवेन्यू पेमेंट देखो ये तो आप समझ में आ गया होगा कैपिटल क्या होता है रेवेन्यू क्या होता है कैपिटल होता है जो नॉन रेकरिंग है रेवेन्यू जो है वो रेकरिंग है नॉन रेकरिंग रेकरिंग का मतलब नॉन रेकरिंग मतलब कभी कभी होता है रेकरिंग मतलब होता ही रहता है जब तक वो धंधा है वो रेगुलर बेसिस में होता रहेगा उसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या होता है और क्या नहीं होता है हाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जरूर लिख लेंगे नॉन रेकरिंग और रेकरिंग वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे वो तो सेम ही है कैपिटल और रेवेन्यू के केस में बट ईच एंड एवरी कैपिटल पेमेंट ईच एंड एवरी कैपिटल पेमेंट ज ट्रीटेड एज एन एसेट हम लोग उसको एसेट मानते हैं इज इट क्लियर कोई भी कैपिटल पेमेंट करो आप यानी वो तो कभी कभी होना है एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी मशीन क्या हम डेली खरीदते रहेंगे क्या बिजनेस के लिए वो तो एक ही बार होगी ना अब वो जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगी या फिर खराब हो जाएगी तो वापस रिप्लेस करेंगे बट क्या इसको डेली खरीदोगे क्या हर एक महीने में हर पंद्रह दिन में हर दो महीने छह महीने में नहीं तो इस टाइप के पेमेंट्स को हम लोग बोलते हैं कैपिटल पेमेंट्स रेवेन्यू पेमेंट्स क्या होता है हमेशा रेकरिंग नेचर के है तो इट इज Treated as an expense for the organization, example salary wages, electricity. एक्सेट्रा बिजनेस के डे टू डे के खर्चे जो होते ही रहते हैं हमारे लिए ठीक है उन एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू पेमेंट्स इज इट क्लियर यहाँ तक इफ आपको यहाँ तक ईच एंड एवरी चीज कंसेप्चुअली सब कुछ समझ में आ रहे क्लियर है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करने की वजह से आपको ईच एंड एवरी टाइम जब मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूंगा आपके लिए आप नोटिफाइड हो जाएंगे और आप कंसेप्चुअली उनको देख के आप पूरे के पूरे कंसेप्ट पढ़ सकेंगे आपको कहीं पे कोचिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी कंसेप्चुअली इज इट क्लियर सो इफ आप चाहते हैं मैं और ऐसे वीडियोज बनाऊ आपके लिए और ऐसी कंसेप्ट के ऊपर आपके लिए रिकॉर्डिंग्स करूं अपलोड करूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं ना आपका कोई भी डाउट छोटा से छोटा डाउट रहेगा टॉपिक को रिलेटेड डू राइट डाउन ठीक है आप कमेंट में लिखिए ताकि मैं उसका रेस्पॉन्ड करूंगा इज इट क्लियर सो आगे बढ़ते हैं हमने ये समझ लिया व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है एंड कैपिटल पेमेंट क्या होता है और रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है अब एक एनपीओ है एक एनजीओ है एक मंदिर है एक स्कूल है एक कॉलेज है ठीक है ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन काम सर्विस देना है इनके पास पैसा कहाँ से आएगा क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो दोनों चलती तो पैसे से है दोनों को चाहिए मनी भाई मनी भाई कहाँ से आता है इनके पास में चलो सोल प्र कोई बिजनेस है तो हमें पता है मालिक पैसा लगा देता है बैंक से लोन ले लेता है कोई थर्ड पार्टी से लोन लेके पैसा लगा हुआ है बिजनेस में ठीक है तो वो पता है मालिक पैसा लगाता है और धंधा चलता रहता है बट इन केस ऑफ एन एनपी एक मालिक तो होता नहीं है बहुत सारे मालिक होते हैं तो इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा इनके पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा ये जानना बहुत जरूरी है आपको ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए न सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन एनपीओ इज इट क्लियर ठीक है तो मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन एनपीओ क्या क्या है सब्सक्रिप्शन से उनके पास पैसा आएगा क्योंकि यदि मेंबर्स है मेंबर तो चलो बन गए लेकिन मेंबरशिप फीस रिन्यूअल फीस तो आपको हर साल पेमेंट करना पड़ेगा ना जस्ट लाइक like कि आपने सेट टॉप बॉक्स परचेज कर लिया केबल कनेक्शन या टीवी कनेक्शन के लिए आपने सेट टॉप बॉक्स परचेज कर लिया उसके लिए तो आप एक ही बार पेमेंट करते हो एक बार पेमेंट करते वो कनेक्शन लगाती कि आप लाइफ टाइम मेंबर बन चुके हो उसके यस आप लाइफ टाइम मेंबर बन चुके लेकिन यदि आपको उसकी सर्विसेज लेनी है आपको वहां चैनल्स देखने हैं, तो आप क्या वो एक ही बार पेमेंट करना पड़ता है या एवरी मंथ आपको पेमेंट करना पड़ता है एवरी मंथ पेमेंट करना पड़ता है इज इट क्लियर वो जो वन टाइम पेमेंट करते हो ना आप लोग सेट बॉक्स और कनेक्शन के लिए दैट अमाउंट इज ए लाइबिलिटी फॉर दैट कंपनी बट जो आप एवरी टाइम पेमेंट करोगे हर बार आप जो पैसा दोगे ना एवरी मंथ रिचार्ज कराओगे ना उस, <coughs> उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन इज इट क्लियर और क्या क्या हो सकता है डोनेशन एनजीओ है एनपीओ है जिनका काम ही क्या है समाज का सेवा करना अपने मेंबर्स के लिए भला करना सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना जैसे गरीब बच्चों को खाना खिलाना फ्री में एडुकेशन देना ओल्ड एज होम ओपन करना ये सारा काम कहे तो भलाई के लिए है ना जिससे आपको क्या मिलती है दुआएं मिलती है तो दुआ लेने के लिए आप काम कर रहे हो तो लोग तो हेल्प करते ही है हम लोग डोनेशन देते हैं ना तो डोनेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम और क्या हो सकता है हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट कैसी हेल्प फाइनेंशियल असिस्टेंस जमीन वमीन फ्री में दे देना क्या आप ठीक है आप यहां पे ओपन कर लीजिए मंदिर यहां बना लीजिए या फिर हर साल हमारी तरफ से इतनी हेल्प मिलेगी आपको तो वो सब क्या है गवर्नमेंट एड ग्रांट इन एड जिसको भी आप बोलते हो ठीक है ग्रांट ग्रांट मतलब हेल्प और कहां से पैसा आता है हमने देखा है इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छा खासा फंड होता है अच्छा खासा डोनेशन वगैरह आता है क्या ये डोनेशन इन लोग अपने पास रखते हैं क्या अरे अपने पॉकेट में तो नहीं रख सकते इनको एक सेफली रखना पड़ेगा बहुत बार इन लोग क्या करते हैं इसको इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि एक साथ हमें उतना पैसा नहीं चाहिए एक साथ हम उतना पैसा नहीं यूज करने वाले वो तो धीरे धीरे विद द टाइम हम लोग यूज करेंगे जब आप विद द टाइम यूज करने वाले हो तो आप क्या करोगे पैसा पॉकेट में उस एनजीओ के पास रहने से क्या वो डबल हो जाएगा क्या हम लोग क्या करते हैं उस पैसे को हमेशा पैसा बढ़ाने के लिए क्या करना होता है इन्वेस्टमेंट सिमिलरली एनपीओ क्या करती है पैसों को इन्वेस्ट करती है इन्वेस्ट कहा ध्यान रखना एक एनपीओ कभी भी अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती यानी हमेशा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करेगी क्या एक एनपीओ शेयर मार्केट में पैसा लगा देगी नहीं शेयर मार्केट इज अ फ्लक्चुएटिंग वाला मार्केट वहां ऊपर नीचे होता है वहां प्रॉफिट लॉस दोनों है बट एनपीओ कहां पैसा इन्वेस्ट करती है ऑलवेज ऑन द सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हमेशा और हमेशा हम लोग सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ही करेंगे जहां पे पैसा डूब ही नहीं सकता जीरो परसेंट प्रोबेबिलिटी है पैसा डूबने का इज इट क्लियर तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और भी बहुत कुछ हो सकता है यदि कोई ओल्ड एज होम है वहां पे लोग क्या करते हैं कल्टीवेशन करते हैं या फिर हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं पिकल्स बनाते हैं हैंडमेड कुछ और बनाते हैं उसको भी सेल करके पैसा आता है तो क्या है वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है इज इट क्लियर आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ मनी कम्स फॉर एन एनपीओ उनके पास पैसा कहां-कहां से आ सकता है इज इट क्लियर यहां तक आपको क्लियर है ठीक है तो यहाँ तक आपको यदि क्लियर है तो मुझे फिर से आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को क्लास इलेवन का एक छोटा सा टॉपिक जो आपके खून में बसा हुआ होगा उसको समझाना पड़ेगा आपको यदि वो रिकॉल है, जिसको आता है वेल एंड गुड बहुत अच्छा जिसको नहीं आता है ये उसके लिए है ताकि वो रिवाइज कर ले मेरे साथ में हम जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे तब हमारे सर हमारे गुरुजी, हमारे मेंटर हमारे टीचर्स ने बताया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप अकाउंटिंग क्या बेसिस पे करते हैं आया आपको याद बोलो बोलो याद आया आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला आ तो रहा है आ तो रहा है हां याद आया देर वेर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक होता था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता था अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हाँ करेक्ट कैश बेसिस में हम लोग क्या करते थे बताओगे अब आप लोग मुझे कैश बेसिस में हम लोग क्या करते थे कैश बेसिस में इनकम कब मानते थे जब पैसा आता था इनस्पेक्टिव वो कौन से साल का है जिस साल आपको पैसा रिसीव होगा उसी साल इनकम मानेंगे और जब भी पैसा जाएगा तभी हम एक्सपेंस मानेंगे बट अक्रूवल में ऐसा करते थे क्या नहीं अक्रूवल में क्या करते थे पैसा मिलो चाहे नहीं मिलो इफ इट इज इफ इट इज रिलेटेड टू माय करंट फाइनेंशियल ईयर तो हम उसको इनकम या एक्सपेंस ट्रीट करेंगे यही करते थे ना आप लोग सो कैश बेसिस में आप लोग क्या करते थे इनकम और एक्सपेंस स्ट्रीटेड ऑनली वैन एक्चुअल कैश इज रिसीव और पेड जब आपको एक्चुअल में पैसा मिलता है या जब एक्चुअल में पैसा आप देते हो उसी टाइम आप इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते थे ठीक है ट्रीटेड की जगह आप लिखो रिकॉर्डेड बट अक्रूवल बेसिस में क्या करते हैं इनकम और एक्सपेंस Is recorded. Sorry, I can't make a phone call. irrespective of cash is received or not. हमें पैसा मिला या नहीं मिला हमने पैसा पेमेंट किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम और एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड रेस्पेक्टिव ऑफ कैश इज रिसीव्ड और नॉट इफ इट इज रिलेटेड टू करेंट फाइनेंशियल ईयर इफ ये मेरे करेंट फाइनेंशियल ईयर में आता है ट्रांजेक्शन हो चुका है चाहे पैसा मिलो चाहे नहीं मिलो हम उसको इनकम मानेंगे ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसके लिए सूटेबल था सूटेबल फॉर प्रोफेशनल्स ऐसा कौन कौन करते थे जैसे कि प्रोफेशनल बोले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डॉक्टर्स लॉयर्स इन लोग करते थे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और ये किसके लिए सुटेबल फॉर ऑल अदर बिजनेस कंसर्न प्रोफेशनल्स बोले तो सी ए लॉयर डॉक्टर्स ठीक है इन लोग आगे तो और बाकी जितनी भी बिजनेस कंसर्स होती है उनके लिए क्या है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग फॉलो करते हैं क्या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अभी भी चलता है नहीं अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं चलता इवन आपके प्रोफेशनल्स को भी क्या करना पड़ता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करना पड़ता है अंडर कैश बेसिस आपको याद होगा नो ट्रीटमेंट ज डन फॉर अक्रूड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस अंडर कैश बेसिस हम लोग क्या करते हैं अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट नहीं करते क्योंकि अक्रूड इनकम क्या होता है वो पैसा वो इनकम जो आपकी ड्यू हो चुकी है बट आपको नहीं मिला उसको हम बोलते हैं अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब मतलब आपने सर्विसेज ले लिए बट आपने पेमेंट नहीं किया उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसका ट्रीटमेंट हम लोग अंडर कैश बेसिस नहीं करते लेकिन अक्रूवल बेसिस में क्या करते हैं Treatment regarding accrued and outstanding is done. No segregation. इज़ मेड बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर आइटम हम लोग यहां पे कुछ नहीं देखते कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है रेवेन्यू पेमेंट है कैपिटल पेमेंट है पैसा मिला तो इनकम पैसा गया तो एक्सपेंस सीधी सी कहानी बट केस ऑफ अक्रूअल बेसिस क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स को क्या मानते हैं हम लोग इनकम और रेवेन्यू पेमेंट्स को एक्सपेंस कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा आपके लिए मिला है ऑब्लीगेशन है कैपिटल मतलब कभी कभी मिलता है कभी कभी मिलता है उस पैसे पे obligation भी रहता है कोई भी पैसा भैया ने बोला था जिस पे obligation होता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है तो यस वो लाइबिलिटी है एंड कैपिटल पेमेंट ऐसा पेमेंट जो बड़ा है कभी कभी होता है यानी परचेज ऑफ मशीनरी उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं इज इट क्लियर यहाँ पे कैश बेसिस में हम लोग क्या बनाते थे कैश बुक बनाते थे ना कैश बुक वॉज प्रिपेयर एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस से आप क्या बनाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा अप्रूवल बेसिस पे बनता था यानी ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू करेंट ईयर आर रिकॉर्डेड ये चीज क्लियर है इन शॉर्ट आप चाहो तो लिख सकते हो कैश बेसिस के अंदर में आप एक पॉइंट लिख सकते हो Transactions as no segregation is made between. अकाउंटिंग ईयर्स यहां पर हम कोई सेग्रीगेट नहीं करते कि दट इज वेदर देमेंट और रिसिप्ट इज रिलेटेड टू करंट ईयर प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर हम लोग यहां कुछ नहीं देखते कि करंट ईयर का है प्रीवियस ईयर का है या फ्यूचर ईयर का है. बस मिला तो इनकम और गया तो एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस में क्या करते हैं ओनली ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू करंट ईयर आर कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई होप आपको याद आ गया कि कैश बेसिस क्या होता था और accrual basis of accounting क्या होता था इज इट क्लियर देखो ये चीजें मैंने लिखा है क्योंकि इसका लॉजिक है अब जो टॉपिक हम समझने वाले हैं उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाला है कि ये कैश बेसिस क्या है और accrual basis क्या होता है ये बहुत हेल्प देगा आपको आई हो। अब मैं आपको ये जो यहाँ पे कैश बुक लिखा है ये नहीं बताने वाला इसमें क्या करते थे जस्ट बता देता हूं ब्रीफिंगली नोट डाउन नहीं करेंगे इसको हम लोग कैश बुक में क्या होता है डेबिट साइड में रिसिप्ट होता है और क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है जितनी भी रिसिप्ट होती है हम डेबिट साइड में लिखते जाते हैं और जितना भी पैसा जाता है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते जाते थे बस यही करते थे कैश बुक में कुछ नहीं देखते थे करंट ईयर का है या नहीं है सिमिलरली अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाना है पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये तीन चीज बनानी है ना अपने को तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा सबसे पहले अब हम लोग लिखने वाले हैं रिसिप एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है कैसे बनता है इसमें क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट रिसिप्शन पेमेंट का हम लोग बनाएंगे छोटा सा फॉर्मेट कैसा होता है इसका फॉर्मेट जस्ट लाइक कैश बुक जैसे आप कैश बुक को सॉल्व कर थे वैसे ही हम लोग रिसिप्शन पेमेंट को बनाने वाले ठीक है यहां पे क्या क्या होगा तो फिर आपके पास में ऊपर में लिख देते हैं डेबिट क्रेडिट इट्स अ लेजर अकाउंट रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट एक तरफ क्या होगा रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट ये होगा आपका फॉर्मेट ठीक है ये होगा आपका दिस इज द वे हाउ बी प्रिपेयर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट इसके अंदर लिखेंगे पॉइंट नंबर टू it is prepared same as cash book that is it is a summary of इट इज प्रिपेयर सेम इज कैश बुक इट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन मतलब एक एनपीओ में कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसकी जस्ट ये समरी होती है इट इज प्रिपेयर ऑन देश ऑफ इट इज प्रिपेयर ऑन दी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में एक एक मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ये सारी चीज जो पॉइंट्स है ना अच्छे से आप बार बार रीड करना ताकि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे is it clear it is prepared on the cash basis of accounting that is अच्छा चलो अलग पॉइंट में लिख लेते हैं हम लोग While preparing this account, we follow the rules. Debit what? कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ट गोज आउट कौन सा रूल फॉलो करेंगे डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वार्ड गोज आउट इसका मतलब डेबिट साइड में देखो क्या हो रहा है रिसिफ्ट यानी जो भी पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड में लिखेंगे और जो भी पैसा जा रहा है वो हम कहा लिखेंगे क्रेडिट साइड में तो डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट इट इज अल ने अकाउंट कैसा अकाउंट है ये रियल नेचर रियल नेचर के अकाउंट में तो ये वाला रूल फॉलो होता था डेबिट वार्ड कर्म एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट ठीक है यानी सारे के सारे एसेट्स के जितने भी अकाउंट होते थे उसको हम लोग रियल नेचर अकाउंट बोलते थे एक्सेप्ट डेटर्स बोलो बोलो आउटस्टैंडिंग अक्रूड प्रीपेड एंड एडवांस इनको छोड़ के जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं एसेट्स के उसको हम लोग रियल नेचर अकाउंट बोलते थे सो so, ये एक रियल नेचर अकाउंट है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक आपको पता होना चाहिए कि आप ये बना क्यों रहे हो हम ये क्यों बना रहे हैं हाँ, कोई भी लेजर अकाउंट बनाने का मोटिव होता है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे टू असरटेन ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे टू असरटेन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस सिमिलरली एनपीओ केस में हम लोग रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाते हैं क्यों टू असरटेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक तो आपको याद होगा कैश बुक हमेशा मेरा स्टार्ट होता था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपका पैसा बैंक में या कैश में था वही तो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा फिर उसी में तो आप प्लस करते थे और पैसा जो रिसीव होता था और माइनस करते थे जितना पैसा चला जाता था राइट तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर में एड करेंगे जितना भी पैसा था पहले से यानी क्या है इट विल ऑलवेज स्टार्ट It will always start with the opening balance of cash or bank. कुछ ना कुछ तो पैसा होगा ना एनजीओ में पहले से एनपीओ में पहले से पैसा पड़ा होगा तो वो हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस इज इट क्लियर क्या ये चीज क्लियर है आपको और एक चीज ध्यान रखना रिसिप के अंदर में देखो मैं यहां पे फिर भी लिख देता हूं चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, हो दोनों आएगा पेमेंट्स में भी चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो दोनों आएंगे चाहे रिलेटेड टू करेंट ईयर है चाहे लास्ट ईयर है चाहे फ्यूचर ईयर है सारा पैसा आएगा इफ आपको मिला है तो और इफ आपने पे किया चाहे रिलेटेड टू करेंट ईयर हो चाहे लास्ट ईयर हो चाहे फ्यूचर ईयर हो कोई भी साल से रिलेटेड हो वो आपका रिकॉर्ड होगा यहाँ पे क्योंकि हम ये क्यों बना रहे हैं कैसे बनाते हैं कौन सा बेसिस है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है ध्यान रखना ये एक रियल नेचर अकाउंट है ये हमेशा कहां से स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक क्यू बनाते हैं टू असरटेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक इसमें हमेशा रूल लगेगा डेबिट वार्ट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट इज इट क्लियर क्या ये आपको क्लियर है आई होप यहां तक आपको एकदम आराम से समझ में आया कि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट कैसा होता है यानी हमेशा यहां पर क्या होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा बैंक में पैसा है, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट भी होता है तो नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है कैश बुक में तो हम लोग क्या करते थे सिंगल कॉलम डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम ऐसे बनाते थे बट यहां पे कैश और बैंक का एक ही कॉलम होगा यहां पे कोई डबल कॉलम नहीं बिकॉज दिस इज नॉट कैश बुक दिस इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आई होप आपको क्लियर है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है इफ अभी भी आपको किसी का कोई भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं स्पेसिफिकली आपको वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा इज इट क्लियर नाउ अब समझते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले तो क्या समझना होगा इसका फॉर्मेट ये हम बनाते कैसे हैं ये होता है इसका फॉर्मेट इस अकाउंट को हम लोग बनाते क्यों है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते थे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ना सिमिलरली ये वैसा ही है जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बस नाम अलग है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाएंगे असर्टेन सरप्लस और डेफिसिट इट इज सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे सिमिलरली इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे उसके बाद में और बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैसा नेचर ऑफ अकाउंट था नॉमिनल क्योंकि देखो नॉमिनल क्या होता है जिसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते क्लोज कर देते हैं सिमिलरली इट इज नॉमिनल नेचर अकाउंट While preparing this account, we follow the rule. कौन सा rule? Nominal nature के लिए कौन सा rule लगता था? Debit all एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन हमेशा यही फॉलो करते थे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बनता था क्या आप वहां पे अक्रूड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस का ट्रीटमेंट करते थे प्लस माइनस करते थे ना आउटस्टैंडिंग को एड करते, 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 थे. करते थे ना क्यों करते थे बिकॉज उसमें सिर्फ हम लोग करेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस शो करते थे सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंट के से बनता है ये इट इज प्रिपेयर्ड एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैसे बनाएंगे हम लोग इसको एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है जैसे रिसिप्शन पेमेंट में तो क्या होता है कैश का या बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा कुछ ना कुछ तभी तो उसमें प्लस माइनस करेंगे बट इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है ठीक है इट्स फाइनल रिजल्ट इज एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड हम लोग क्या करेंगे कैपिटल फंड में या तो एड करेंगे या माइनस करेंगे जस्ट लाइक कैपिटल जस्ट लाइक प्रॉफिट और लॉस को क्या करते प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में एड होता था लॉसेस होता था तो कैपिटल से माइनस होता था सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे हम लोग इफ आपका सरप्लस है तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और डेफिसिट है तो कैपिटल फंड से माइनस हो जाएगा आई होप ये चीजें आपने नोट डाउन कर ली है अच्छे से इससे अब बाय चांस आपके एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप वो सॉल्व कर पाएंगे इफ आपसे एग्जाम में पूछा जाए रिसिप्शन पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है वो भी आप लिख पाओगे एंड आपको कैश बुक के बारे में पता है तो आप रिसिप्शन पेमेंट एंड कैश बुक के बीच में डिफरेंस लिख पाओगे ठीक है और इसमें क्या बनाना है और अपने को बनाना है दो तरह की बैलेंस शीट ठीक है एक होता है ओपनिंग बैलेंस शीट जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं यानी दैट इज बैलेंस शीट एज एट वन फोर एक अप्रैल को आपकी जो बैलेंस शीट बनती है उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट दिस इज प्रिपेयर्ड क्यों बनाते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा क्या पिछले साल जस्ट लास्ट ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च की जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थी आपकी वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अप्रैल को यही तो करना है ओपनिंग का मतलब क्या होता है जो पिछले साल क्लोजिंग था उसको ओपन करो अब फिर से वही तो आपका ओपनिंग बनेगा तो लास्ट ईयर जो थर्टी फर्स्ट मार्च में जो आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थी वो फर्स्ट अप्रैल को क्या होगा आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बन जाएगी तो जब पता ही है पूरी बैलेंस शीट तो फिर क्यों बना रहे नहीं एग्जाम मिनर क्या करेगा कुछ डेटा गायब कर देगा सारा हंड्रेड परसेंट डेटा लास्ट ईयर का नहीं देगा कुछ डेटा आपका क्या हो जाएगा गायब कर देगा वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा नॉर्मली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है ना वो हमें इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल फंड चाहिए अंटिल अनलेस आपको कैपिटल फंड ही नहीं पता कि एक एनपीओ के अंदर कितना फंड है कैपिटल सबका मिलते लगाया हुआ है तो आप सरप्लस या डेफिसिट किस में आइडिया लेस करोगे ठीक है तो दिस इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड क्यों बनाते ताकि हमें यह पता चल जाए हमारे कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस था कितना फिर और एक क्या बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस शीट दैट इज बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च जो हम नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं ईयर एंड में क्यों बनाते हैं हम लोग नॉर्मल बैलेंस शीट नॉर्मल बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं हम लोग बोलो is prepared to ascertain financial position of an npo that is position of एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में इफ आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है एंड इफ आपको लगता है कि हाँ सच में आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हुए हैं एक एक टर्म्स के बारे में जितना कुछ हमने आज डिस्कस किया आप लोगों का क्लियर हुआ है तो प्लीज आप लोग कमेंट करें और बताएं मुझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है एंड इफ आप चाहते हो कि मैं और कंटिन्यूएशन बेसिस पे ऐसे वीडियोज बनाऊ आपके लिए कि इस चैप्टर को मैं पूरा और अच्छे से आपको इलाबोरेटली समझाऊं तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका तो प्लीज लाइक कीजिएगा ठीक है सो आई थिंक आज के लिए हम लोग इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं जल्दी मैं आपके लिए लेक्चर नंबर टू लेके आऊंगा जिसके अंदर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं जिसके अंदर में हम लोग कवर करेंगे सब्सक्रिप्शन पूरा कैसे सॉल्व करते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट होता है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम फंड बेस्ड अकाउंटिंग इस चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे इज इट क्लियर सो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा नोट्स अच्छे से इसका बना लीजिएगा जैसे जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से आप भी नोट डाउन करके रखिएगा एंड आपका कोई भी क्वेरी होता है आप कमेंट कीजिए हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे ठीक है थैंक यू